हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे आप सब लोग और वेलकम टू माय चैनल टेक्नोवर्ल्ड बाय धीरज। दोस्तों आज मैं एचपी के लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। काफी अच्छा लैपटॉप है, एचपी का, ब्लैक कलर का आता है और इसका मॉडल नंबर है 15SDU1044TU। ये दोस्तों सेलरॉन है और ये एंट्री लेवल लैपटॉप है, काफी अच्छा मॉडल है। सेलरॉन में रिफ्रेश लुक दी गई है इस लैपटॉप में। इससे पहले भी मैंने सेम लैपटॉप की एक बार अनबॉक्सिंग करी थी। ये नया मॉडल है, इसमें काफी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। ये आपका 2021 मॉडल है तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है। ये विंडो 10 प्रीलोडेड के साथ आता है और साथ में आप इसमें 4GB DDR4 रैम है और साथ में इसमें आपको 1TB की हार्ड डिस्क मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, एंट्री लेवल है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बाय लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए डिफरेंट अनबॉक्सिंग करता हूँ लैपटॉप डेस्कटॉप्स की और उनकी रिव्यू देता हूँ। तो चलिए इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका रिव्यू देखते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों आप देख सकते हैं एचपी का लैपटॉप है, 15SDU1044TU मॉडल है इसका और इंटेल सेलरॉन प्रोसेसर के साथ आता है। मॉडल इसका प्रोसेसर है N4020 सेलरॉन है। दोस्तों 1TB हार्ड डिस्क के साथ आता है, नो ऑप्टिकल ड्राइव है इसमें, विंडोज 10 प्रीलोडेड आती है और 3 सेल बैटरी पे आता है और 4GB DDR4 रैम है और 15.6 HD LED डिस्प्ले है और जो इसकी ब्राइटनेस है 220 nits पे। तो अच्छी कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं, एंट्री लेवल लैपटॉप है तो ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके साथ एक पावर कॉर्ड आई है, नॉर्मल पावर कॉर्ड है, इसको साइड में रखते हैं। एक चार्जर आया है, आप देख सकते हैं 265 वाट पे चार्जर है और आगे से पिन इस तरह से। इसके साथ एक मैनुअल आया है, देख सकते हैं आप कैसे आपको सेटअप करना है और आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं एचपी की ब्रांडिंग सेंटर में लिखी हुई है और थोड़ा सा मैट फिनिश में से जरूर कहूँगा, थोड़ा ग्रे एंड ब्लैक है सेंटर में, आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क ब्लैक में एचपी लिखा हुआ है। और जो पूरी ओवरऑल है मैं तो इसको ग्रे कहूँगा, ब्लैक तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा ग्रे टोन आपको जरूर देगा और मैट लुक है, शाइनिंग नहीं है। बैक साइड से देख लेते हैं दोस्तों, बैक साइड से भी उसी तरह से मैट लुक है सारे में कंप्लीट। और यहाँ विंडोज़ का एक लोगो लगा हुआ है, रबड़ की दो स्ट्रिप्स हैं इस तरफ थोड़ी सी हाइट करने के लिए ताकि आपको कूलिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हैं एक कूलिंग वेंट इस तरफ दिया हुआ है और साइड में कूलिंग वेंट नहीं है। मुझे लगता है कूलिंग वेंट शेड इधर की इस तरफ आजकल आने लग गया लेटेस्ट में, तो इधर ही होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी स्लीक लुक है और इस तरफ आपको देख सकते हैं ऑडियो का 3.5 ऑडियो जैक मिलता है हेडफोन के लिए और इधर आपका लैन का पोर्ट है, मतलब इथरनेट पोर्ट है और HDMI पोर्ट आता है दोस्तों और साथ में इसमें USB-C टाइप आता है। तो इतने लोएस्ट एंट्री लेवल लैपटॉप में भी आपको सी टाइप मिल रहा है तो क्या अच्छी बात है। LED लाइट है दोस्तों और एक पावर की LED लाइट मिलती है तो एक अच्छा रहता है। आपको लैपटॉप जो मूव होता है तो ये काम आती है, उससे पता चलता है कि आपका लैपटॉप हैंग हुआ है नहीं हुआ है, हार्ड डिस्क मूव कर रही है, तो एक अच्छे फीचर्स रहते हैं या होनी चाहिए लाइट्स, इससे इंडिकेशंस मिलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरफ आपको कार्ड रीडर मिलता है और दो USB मिलते हैं, USB 3.0 और साथ में आपको एक अडेप्टर के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं इधर अडेप्टर लगाना है आपको और इसमें अडेप्टर के लिए आपको चार्जिंग की LED लाइट भी लगी हुई है। दोस्तों फ्रंट लुक देखते हैं फ्रंट से कैसा है, तो इसकी स्क्रीन क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, आप देख सकते हैं ग्लॉसी फिनिश है और इसकी मिरर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ साइड में तो आपको देख सकते हैं बेजल थोड़े से मोटे हैं और ऊपर का भी, लेकिन जो साइड के बेजल्स हैं वो काफ़ी पतले दिए और अच्छे लग रही है लुक ग्लॉसी लुक में। तो चलिए स्क्रीन को तो बाद में चेक करेंगे, मैं आपको फ्रंट लुक दिखाता हूँ लैपटॉप की। दोस्तों फ्रंट से लुक इस तरह की है, यहाँ इंटेल की ब्रांडिंग लिखी हुई है, लोगो लगा हुआ है और टच पैड इस तरह से आता है, अच्छा लग रहा है टच पैड, बटन सॉफ्ट है ठीक है माउस के लिए। और जो फ्रंट में आपको ग्रिल मिलती है इस तरह से, ये स्पीकर ग्रिल है और आप देख सकते हैं इस तरह से कीपैड है, तो कीज़ ठीक है अच्छी हैं और एक एंट्री लेवल लैपटॉप है तो मैं इसको अच्छा ही कहूँगा। मुझे लुक अच्छी लग रही है, एंट्री लेवल है और बढ़िया लग रहा है लुक्स में और जो क्वालिटी है प्लास्टिक की वो भी अच्छी लग रही है। दोस्तों ये लैपटॉप है, साइड लुक आप देख सकते हैं काफ़ी स्लीक लुक है और मुझे लाइट वेट लग रहा है, अच्छा लैपटॉप है, लुक वाइज अच्छा है। इस तरह से आप देख सकते हैं बैंड ये मैक्सिमम इतना जाएगा और इस तरह से लुक है इसकी और साइड से इस तरह से दिखेगा।
दोस्तों बेसिकली इसमें विंडो 10 आपको प्रीलोडेड मिलती है और जो लाइफ टाइम मिलती है, और साथ में आप इसमें ऑफिस और जो एंटीवायरस है वो ट्रायल वर्जन डिलीवर आ रहे हैं, क्योंकि एंटी लेवल है दोस्तों, बजट ओरिएंटेड है, तो ये सब कॉस्ट कटिंग तो होती है इनमें। तो दोस्तों इसमें H2 का लेटेस्ट वर्जन डाल के दे रहे हैं विंडो 10 का, और होम सिंगल लैंग्वेज एडिशन आती है। मैं आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं 4 GB रैम के साथ आता है, इंटेल सेलरॉन N4020 CPU इसमें 1.10 GHz पे, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें USD ग्राफिक्स 600 है, तो ग्राफिक्स अच्छे दिए हुए हैं, सही हैं, लेटेस्ट ही हैं, बस कॉस्ट कटिंग के लिए आपको इसमें सेलरॉन लगेगा। दोस्तों ये लैपटॉप का बैक साइड, आपको नट्स खोलने होते हैं, इस स्ट्रिप के नीचे नट्स आते हैं, तो आपको इसको खोलना है और इस तरह से ये खुल जाएगा। मैंने नट ऑलरेडी खोल चुका हूँ, तो इनसाइड लुक आप देख सकते हैं। दोस्तों बैक साइड आपको काफ़ी बड़ी सारी हीट सिंक दिख रही होगी इसमें, तो इसमें फ़ैन नहीं आता, बड़ी सारी हीट सिंक लगा रखी है, तो ये ड्रॉबैक ही है, क्योंकि फ़ैन ज़्यादा अच्छा कूलिंग करता है, अगर आप खाली एक हीट सिंक दे रहे हैं तो उतनी कूलिंग नहीं होती, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत ही हीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी आप देख सकते हैं बैटरी ये है, और साथ में हार्ड डिस्क लगी हुई है, और रैम का स्लॉट दोस्तों इसमें एक सिंगल है, 4 GB के साथ आता है। आप इसको 4 GB को हटा के ही 8 GB एड ऑन कर सकते हैं, एक नेक्स्ट 4 GB नहीं लगा सकते क्योंकि सिंगल स्लॉट है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है, मुझे नहीं पसंद आया। अपग्रेडेशन देना चाहिए, एंट्री लेवल है मैं थोड़ा बहुत आप कह सकता हूँ कि चलो, लेकिन रैम अपग्रेडेशन जरूर देना चाहिए। बाकी इसमें SSD का ऑप्शन नहीं है इसमें दोस्तों, इसमें आप M2 SSD इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि M2 का स्लॉट नहीं है इसमें। अगर आपको SSD फिर भी लगानी हो तो आपको हार्ड डिस्क ही हटानी पड़ेगी, तो अपग्रेडेशन नहीं है। बस ये कह सकते हो आप कि 24-25 हज़ार के अंदर आपको एक लैपटॉप मिल रहा है, तो डे टू डे वर्क के लिए तो ठीक है, और छोटी मोटी आपकी क्लासेस व्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, इस तरह के पर्पज़ के लिए सॉल्व करेगा। दोस्तों मैंने इस लैपटॉप की पूरी फुल अनबॉक्सिंग आप सबके लिए कर दी, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, ब्लैक कलर का है, ग्रेश लुक में कह सकते हैं आप इसको, और मुझे बिल्ड क्वालिटी तो इसकी अच्छी लगी, तो वैसे तो मुझे सही लगा। अगर आप इसे डे टू डे वर्क के लिए यूज़ करना चाहें, जैसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ करना चाहें, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा। आपको एक सस्ता लैपटॉप मिल रहा है, एंट्री लेवल मिल रहा है, और ये आपको प्राइस ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस है 26 से 27 के बीच में मिल जाएगा, और कहीं कहीं ये 24 हज़ार से 25 हज़ार के बीच में भी कई बार अगर ऑफर चल रहा हो तो अवेलेबल हो जाता है। अगर इसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। आप इस लैपटॉप के रिगार्डिंग अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि किसी और लैपटॉप के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर इसके जरूर दूंगा। और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मेरे वीडियोज को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे।